पाइनएप्पल को हम घर पे ही उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि पाइनएप्पल को हम घर पे कैसे उगाए। तो दोस्तों जैसे हम क्या है मार्केट से पाइनएप्पल परचेज करके लेके आते हैं तो ऊपर वाला जो भाग होता है जिनमें क्या है पत्तियां पत्तियां ही रहती हैं, तो आप उनको निकाल लीजिए और निकालने के बाद क्या है आप जो है पानी में डाल के इनको रख दीजिए। आप देखेंगे हफ्ते के अंदर में जो क्या है इनके जो है जड़े जो है आने शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही इनके जड़े थोड़े से बड़े हो जाए तकरीबन क्या है 2 इंच तक हो जाए तो टाइम आ जाता है कि पौधे को क्या है पानी से जो है हम निकाल के और मिट्टी में जो है इनको शिफ्ट कर दे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे छोटे से जो है पाइनएप्पल के ऊपर वाले जो जो है भाग है और इनमें क्या है जड़े वगैरह जो है बन गई है। तो इनकी टाइमिंग की बात करूँ तो देखिये 20 दिन से ज्यादा हो गया है, और ये जो पौधा आप देख रहे हैं जो गमले में लगे हुए हैं ये पौधे क्या है आज से लगभग क्या है 20 से 25 दिन पहले क्या है मैंने इनको जो है पानी से निकाल के मिट्टी में लगाए थे, और इनमें देखिए नई नई जो है लीव वगैरह जो है आने लगी है। पौधा इट मीन्स बहुत अच्छे तरीके से जो है जड़ जो इनकी है जो पकड़ बना ली है मिट्टी में, और पौधा जो है हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो जैसे ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम इनको निकाल के इस गमले से और थोड़े से क्या है बड़े गमले में जो है इनको हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो चलिए मैं इनको क्या है लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनको लगाने के लिए देखिए पौधा क्या है छोटा है तो इसीलिए क्या हम छोटे कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए डब्बा क्या है पीछे से टूटा पड़ा है तो इनमें क्या है ड्रेनेज होल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से डब्बा जो है टूट गया है। तो इनको कवर करने के लिए यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ वो है थर्मोकोल के टुकड़े, बहुत अच्छा जो ऑप्शन है ये ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। अगर आपके पास छोटे कंटेनर है तो इनमें क्या है जड़े भी जो है आर पार हो जाती है और एरेशन होती है, तो इसकी वजह से क्या है पौधे की जो ग्रोथ है बहुत जल्दी बहुत अच्छे से और फास्ट होती है। तो देखिए मैंने क्या है कवर कर लिया इनको। तो उसके बाद हम मिट्टी की बात करेंगे दोस्तों, मिट्टी इनको लगाने के लिए कैसी चाहिए। तो क्या है हमें बिल्कुल सैंडी सॉइल लेना है, बिल्कुल जो है रेतीली मिट्टी लेना है, भुरभुरी लेना है, ज्यादा जो है पानी इसमें जो है खड़ा नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी देखिए जो मैं ले रही हूँ इनमें क्या है 80% के लगभग क्या है इसमें सैंड है और बाकी जो है थोड़ी सी गार्डन सॉइल और क्या है कंपोस्ट है। कंपोस्ट की मात्रा अभी ज्यादा नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी को क्या है मैं दबा रही हूँ ताकि जो है मिट्टी अच्छे तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि देखिए इनमें ज्यादा जो है सैंड है तो ऐसा ना हो कि पानी डालते ही सैंड जो है बाहर की तरफ निकलने लगे। तो इसीलिए जब भी सैंडी सॉइल आप में जो है गमले में फील करें तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से क्या है स्टेबल कर दे उसको, जो थोड़ा सा जो है हार्ड या कठोर कर दे। तो बस हमने क्या है 1/3 पार्ट मिट्टी फील करना है, उसके बाद क्या है जो हमने ये नारियल के ऊपर वाले पार्ट होते हैं नारियल नहीं सोच पाइनएप्पल के, तो इनको क्या है सिंपल सा रखना है, ज़्यादा पुश नहीं करना है नहीं तो इनके जो रूट है वो डैमेज होने के जो है चांसेस होते हैं। तो अगर हम चाहें तो पानी में जो है और टाइम भी इनको दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ। तो बस हमने क्या है मिट्टी जो है ऊपर ऊपर से फील करना है। अब मिट्टी क्या है हम दबा दबा के बिल्कुल नहीं फील करेंगे, मिट्टी को जो है आराम से रखना है, और उसके बाद क्या है कि हमने क्या करना है लास्ट में क्या है मिट्टी को जो है हल्के से जो है गमले को उठा कर टैप करना है, कि अगर हम मिट्टी को पुश करते हैं तो क्या है जो जड़े हैं वो टूटने के जो है चांसेस होते हैं, तो हमारी सारी मेहनत जो है बेकार हो सकती है। इसलिए क्या है आराम आराम से मिट्टी ऊपर से डालिए और लास्ट में क्या है गमले को उठाइए और थपथपाइए कुछ और ऊपर से क्या है इस तरीके से जो है पटकिए, तो क्या है मिट्टी जो है अच्छे तरीके से जो है सेट हो जाएगी और हमें क्या है पौधा जो है अच्छे तरीके से जो है कटिंग जो भी आप लगा रहे हैं वो जो लग जाएंगी। लगाने के बाद क्या है इनमें पानी डालना है, पानी में क्या है आप फंजीसाइड जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फंजीसाइड मिला के पानी दे सकते हैं। अब हम बात करें कि लगाने के बाद इस जो पौधे को हम रखें कहाँ, तो आप क्या है हफ्ते तक जो इनको शेडी एरिया में रखिएगा, क्या है इनको डायरेक्ट जो है धूप मत दीजिएगा, उसके बाद जो है पानी जो है आप देखते रहिएगा, लेकिन ज्यादा जो है पानी भी मत डालिएगा नहीं तो इनकी जो है जड़ें हैं खराब हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है शेडी एरिया में 1 वीक तक रखना है, उसके बाद क्या है आप धीरे धीरे क्या फुल डे के सनलाइट में इनको रख दीजिए, और क्या है डेली आप इनको थोड़ी सी मिस्टिंग करते रहिएगा और पानी देते रहिएगा, लेकिन ज्यादा ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा इन्हें पानी मत डालिएगा। अगर एक दिन तक इनकी जो मिट्टी है सूखी भी रह जाए तो भी कोई चांसेस नहीं होगा, अगर लगातार जो इनमें पानी का ठहर जाएगा तो ये जो है खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पानी डालते ही कितने जो है ज्यादा बुलबुले बन रहे हैं, इसके मतलब ये है कि जो पानी है अच्छी तरीके से जो है नीचे की तरफ ड्रेन आउट हो रहा है। तो देखिए मिट्टी भुरभुरी है तभी ये जो है पानी जो है ड्रेन आउट हो रहा है। तो अगर हम इनके फर्टिलाइजर की बात करें तो इनको ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप 20 दिन के गैप पे क्या इनको बनाना पिल जो है फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो बनाना पिल बनाने का सिंपल तरीका है, आप पानी लीजिए और उनमें क्या है डाल दीजिए, ढक के रख दीजिए 2 दिन के लिए, और 2 दिन के बाद क्या है लिक्विड लीजिए और लिक्विड में क्या है 3 से 4 गुना पानी जो है नॉर्मल मिक्स कीजिए और जो है पौधों को दे दीजिए।
तो बहुत अच्छा जो है ये फर्टिलाइजर जो है बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कुछ टाइम में आप देखेंगे पौधे की अगर ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो आप क्या करेंगे कि इसको जो है दूसरे गमले में जो है शिफ्ट कर देंगे, थोड़े से बड़े गमले में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो पौधे जो है बन गए हैं पाइनएप्पल के। अब क्या है, थोड़े से ये बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको जो है थोड़े से बड़े गमले में जो है शिफ्ट कर दूंगी। तो ध्यान रखिएगा जो भी आप कटिंग लगाते हैं तो जितनी बड़ी कटिंग है उसके हिसाब से ही गमले का चुनाव करें। और इनमें देखिए, इनमें क्या है, दो पौधे लगे, एक तो बड़ा सा है और एक छोटा सा पिद्दू सा पौधा है। तो जब मैं शिफ्ट करूंगी तो दोनों को अलग अलग जो है लगा दूंगी। तो फाइनली देखिए रिपोर्ट ट्रांसप्लांट होके जो है रेडी हो गया पौधा। तो आप भी ऐसे करके पाइनएप्पल के पौधे बना